हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये सवाल जो है कईयों के माइंड में आया होगा आप में से, मगर मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझको किसी ने कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कुछ समय पहले। मेरी कोई टैक्स से रिलेटेड वीडियो ही थी, उसमें पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई आपकी वाइफ, उनकी वाइफ होम मेकर हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट अपने वाइफ के नाम से कर सकते हैं? ऐसा करके क्या होता है कि भाई इनकम डिवाइड हो जाएगी, टैक्स डिवाइड हो जाएगा, है ना? ये सोचकर आप सब सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं ये समझना जरूरी है, और क्या कोई सर्कमस्टेंस है जिसमें ऐसा करा जा सकता है, क्या तरीका है करने का, वो भी समझना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, मैं पहले एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मिस्टर राम कुमार है और उनकी वाइफ है मिसेस शालिनी। वो उनके वाइफ के अकाउंट में हर महीने 50,000 जमा करा देते हैं और कहते भाई इसको इन्वेस्ट करो। तो उनकी कुछ टिप्स हैं, उसमें लगाती हैं, कुछ इधर उधर इन्वेस्ट कर देती हैं। अभी 50,000 वो ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं, सैलरी के नाम से नहीं करते हैं, बस ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हैं उनके अकाउंट में। अब ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि लॉ कहता है कि भाई जो राम कुमार जी हैं वो अपने वाइफ को बिना किसी कंसिडरेशन के ऐसे एसेट नहीं दे सकते कोई भी। अब उन्होंने तो कर दिया और शालिनी जी ने इन्वेस्ट भी कर दिया, तो अब क्या होगा जी कैपिटल गेन का? अब ये जो कैपिटल गेन है शालिनी जी की रिटर्न में नहीं जाएगा, इस पे टैक्स देंगे राम कुमार जी। तो जो हस्बैंड है वो टैक्स देंगे। इसको हम बोलते हैं टैक्स के लैंग्वेज में क्लबिंग ऑफ इनकम। ये एक वर्ड है, आप याद कर लीजिए, नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, मगर अच्छा रहेगा आप याद कर ले, जितना नॉलेज हो उतना बेटर, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। अब फिर से मैं समझा देती हूँ कि अगर शालिनी जी को वो हर महीने कुछ अमाउंट दे रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उससे जो कैपिटल गेन होगा उस पर शालिनी जी को टैक्स नहीं देना है, उनके हस्बैंड को ही टैक्स देना है। ये एक बात हो गई। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट से गेन्स हुए। अब शालिनी जी ने जो इन्वेस्टमेंट करी उस इन्वेस्टमेंट से गेन्स हुए उस पे तो टैक्स राम कुमार जी ने देना है, अगर वो उन गेन्स को फिर से रीइन्वेस्ट कर रही हैं, तो रीइन्वेस्टमेंट में जो गेन्स होंगे ना उस पे शालिनी जी को टैक्स देना है। फिर से समझिए कि शालिनी जी ने इन्वेस्टमेंट करा, वो पैसा कहां से आया, उनके हस्बैंड ने दिया, ऐसे ही दे दिया एवं, तो वो जो पैसा है क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड ने दिया है, उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो गेन्स होंगे उस पे टैक्स देंगे उनके हस्बैंड। मगर जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे जो गेन्स हुए थे उसको रीइन्वेस्ट करके जो गेन्स होंगे उस पे शालिनी जी टैक्स देंगी। ये चीज यहीं पे समाप्त होती है। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई है क्योंकि अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, मैम मैं 50,000 सैलरी दिखा देता हूँ, वो हमारे एक ऑफिस में काम कर रही है, बात खत्म, इनकम आ गई। फिर तो अब मेरी बात को समझिए, आप सैलरी ऐसे नहीं दिखा सकते। आप सैलरी तब दिखा सकते हैं जब आपकी वाइफ के पास कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, और जो उनको सैलरी मिल रही है उस नॉलेज या एक्सपीरियंस या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही मिल रही है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लॉ इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर आपने ऐसी सैलरी दे दी तो फिर वो नहीं माना जाएगा, फिर से वही होगा कि उससे जो इनकम होगी वो उस पर टैक्स कौन देगा, जिसने पैसे दिए वो देगा, हस्बैंड पैसे दे रहे हैं, राम कुमार जी दे रहे हैं, उनको टैक्स देना होगा, ठीक है? बात क्लियर है। सैलरी कब दिखा सकते हैं, जब वाइफ के पास कोई प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, तब दिखा सकते हैं। अब यही छोटा सा टॉपिक था, इसलिए छोटी सी वीडियो है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ऐसे ही अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करिए, बिना पहले डिसीजन लेने से पहले, बिना किसी हेजिटेशन के, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लिया करिए, मैं आपको पूरा बता दूंगी, और या तो मैं कमेंट्स में बता दूंगी या मैं वीडियो बना दूंगी। तो और भी अगर इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी चैनल पर अपने वीडियोस डालूंगी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन नहीं क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, तो आप वो जरूर क्लिक करिए। और साथ ही साथ प्लीज लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो, और बस शेयर करिए। थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।